तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12 जुलाई डीएलएड तृतीय सेमेस्टर प्रमोट महाधरना बड़ी सफलता। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें तृतीय सेमेस्टर प्रमोट का शासनादेश कब तक जारी होगा उस अपडेट को भी हम आपके सामने रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे लिखा है 2 वीक, 2 हफ्ते के अंदर। उसके बाद दोस्तों देखिए तृतीय सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म। जी हाँ दोस्तों, अभी भी डीएलएड तृतीय सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसको काफी प्राइवेट कॉलेज में भराया जा रहा है। नाम दोस्तों क्या है कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है, लेकिन आपको बता दें वहाँ सिर्फ एक तरह से पैसों की वसूली की जा रही है। ठीक है गाइस, अभी कोई भी एग्जामिनेशन फॉर्म आपका नहीं भरा जा रहा है, और लेकिन जब हम प्रमोट होंगे तो एग्जामिनेशन फॉर्म का दोस्तों कोई मैटर ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आपके कॉलेज वाले ऐप से पैसा लूट रहे हैं। ठीक है, वीडियो उन कॉलेज वालों को भी पहुंचा दीजिएगा और बता दीजिएगा जो एग्जामिनेशन फॉर्म होता है दोस्तों वो डीएलएड में एक साथ सभी कॉलेज में भरा जाता है, कोई पर्सनली नहीं होता है कि आपके कॉलेज में अलग से दोस्तों भरा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों प्रमोट पर जो अंतिम फैसला होगा वो सरकार का होगा। अब दोस्तों ये बात हम क्यों कह रहे हैं आपके सामने, अभी दोस्तों इसी वीडियो में हम आपको एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे जिसमें दोस्तों आप खुद समझ जाएंगे कि जो अंतिम फैसला है वो सरकार या शासन लेगी। और दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, फिलहाल दोस्तों देखिए जो हमारा दोस्तों लिखित आश्वासन है यहाँ पर दोस्तों पीएनपी की मुहर आपको लगी हुई नजर आ रही होगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय आज की तारीख आपके सामने है। तो दोस्तों देखिए, एक बड़ी जीत तो डीएलएड छात्रों को मिली है, लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये है ना कि दोस्तों फेल छात्रों का क्या होगा। देखिए जितने बच्चे सेकंड सेमेस्टर में पास थे उन बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों अभी आप एक वीडियो क्लिप देखेंगे जहाँ पर यह कहा जाएगा कि फोर्थ के आधार पर थर्ड सेमेस्टर को प्रमोट करने की बात है। लेकिन क्या यह सच है दोस्तों कि सिर्फ हाँ में हाँ मिला दिया गया, उसको आप खुद डिसाइड करेंगे कि क्या सच है क्या गलत है। चलिए पहले एक बार आप इस वीडियो क्लिप को देखें और खुद फैसला करें। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तभी हम लोग अवेलेबल होंगे टेट के लिए जब हम लोगों का ये नोटिफिकेशन आप लोग दे देंगे। लगभग सर ये प्रमोट वाला नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा? प्रमोट हो जाएगा सर। एक चीज बताइए, थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट आप कब तक इशू हो जाएगा? कब तक आ जाएगा प्रमोट करने का? जियो जियो नोटिफिकेशन मेरी रिक्वेस्ट आप से, सर कब तक हो जाएगा? हम लोग केवल नोटिफिकेशन आ जाना होगा का। सर स्कूटनी रिजल्ट के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। प्रस्ताव का भेजे कितनी तारीख? ये हमारी मांगे थी। तो दोस्तों अभी आपने जैसा कि वीडियो को देखा होगा वहाँ पर सिर्फ हाँ हाँ ऐसा कुछ करते हुए आपको नजर आएंगे, लेकिन एक बात और आपको दोस्तों बता दें, यहाँ पर एक बात और आपको समझ में आई होगी, जो दोस्तों प्रमोट को लेकर है ना अंतिम फैसला ये सरकार का ही होगा, शासन का ही होगा। ठीक है, बाकी दोस्तों देखिए पीएनपी की तरफ से प्रमोट को मंजूरी है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन अभी दोस्तों इस बात को लेकर कन्फर्मेशन करना है कि जो हमारे बैक बच्चे हैं बैक पेपर वाले, क्या उनको प्रमोट किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों जो ये हमारा प्रमोट का आश्वासन है, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या विषय था
डीएलएड 2019 बैच तृतीय सेमेस्टर प्रमोट किए जाने के संबंध में, दिनांक 12/7/2021। और दोस्तों देखिए यहाँ पर काफ़ी बातें लिखी गई हैं, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हमें सिर्फ आश्वासन दिया गया है कि हम प्रमोट करेंगे, ये एक अच्छी खबर है, लेकिन जिन बच्चों की बैक है और पीएनपी प्रमोट फार्मूला, सबसे बड़ी बात है दोस्तों प्रमोट का फार्मूला क्या होगा। देखिए आपको बता दें पिछली बार जो साधना देश आया था, देखिए दोस्तों यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये दोस्तों आप देख रहे हैं ये सब्जेक्ट दोस्तों क्या था पिछली बार का, कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा आयोजित की जाने वाली सत्र 2019 बीच और 20 और 21 के अवशेष परीक्षाओं को संपादित कराए जाने के संबंध में सुझाव और दिशा निर्देश दिया गया था। यहाँ पर दोस्तों जब पिछली बार तृतीय सेमेस्टर छात्रों को प्रमोट किया गया था, यहाँ पर एक बात कही गई थी कि जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर में समस्त विषयों में उत्तीर्ण हो, मतलब एक भी आपकी बैक नहीं होनी चाहिए, के औसत अंक के समान अंक प्रदान करते हुए उनको तृतीय सेमेस्टर में कक्षोन्नति या प्रमोट प्रदान किया जाए, तथा तृतीय सेमेस्टर में कक्षोन्नति प्राप्त प्रशिक्षुओं की चतुर्थ सेमेस्टर की प्रस्तावित परीक्षा अक्टूबर 2020 तक समय कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए दिशा निर्देश, ठीक है, निर्धारित दिशा निर्देशों एवं सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए लिखित परीक्षा के माध्यम से संपादित कराई जाए। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, इसको देखकर आपको एक बात समझ में आ गई होगी, जब पिछली बार दोस्तों प्रमोट का नियम बनाया गया था तो यहाँ पर एक बात बहुत ही क्लियर बताई गई थी, ठीक है, प्रमोट सिर्फ उनको करेंगे जिनकी कोई भी बैक नहीं होगी, ठीक है, पहली बात ये थी। और दोस्तों जैसे ही प्रमोट का साधना देश आया था, ये उसी के साथ साथ दोस्तों हमें अगले सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर का डेट शीट मिल गया था। ये दोस्तों बड़ी बात हम आपके सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इस बार भी छात्रों के मन में मतलब यही कन्फ्यूजन है। तो गाइज अब आप लोग ऑफिशियली तौर पर चतुर्थ सेमेस्टर की तैयारी शुरू कर सकते हैं, हमें आश्वासन मिल गया है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अब आश्वासन टूटेगा नहीं, प्रमोट होना कन्फर्म है, लेकिन बस सवाल कुछ यही सब रहने वाले हैं कि जिन बच्चों की बैक है उनका क्या होगा और पीएनपी का प्रमोट फार्मूला क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, बैक अगर आपकी लगी है तो बैक प्रशिक्षुओं के लिए एक बड़ी अपडेट आज न्यूज़पेपर के माध्यम से आई थी कि 72,000 प्रशिक्षुओं की परीक्षा अगस्त में संभावित है। जी हाँ दोस्तों, जब हमारा अगस्त में पेपर होगा तो क्या पर फोर्थ का भी पेपर हो जाएगा कि सिर्फ बैक पेपर होगा, जरा इस अपडेट को देखिए। दूसरे सेमेस्टर में फेल 2019 बैच के 72,000 प्रशिक्षुओं की दोबारा परीक्षा अगस्त अंत में, ठीक, मतलब अगस्त महीने के अंत में कराने की तैयारी है। चूंकि दूसरे सेमेस्टर के आधार पर ही पहले सेमेस्टर के अंकों का निर्धारण होना है, द्वितीय सेमेस्टर में पास प्रशिक्षु सोशल मीडिया पर प्रमोट करने की मांग उठा रहे हैं, लेकिन उन्हें भी दोस्तों परीक्षा देनी होगी। यहाँ पर दोस्तों ये बात लिखी गई है, ठीक है, तो जिन बच्चों की बैक है क्या उनका पेपर अगस्त महीने में हो जाएगा? अगर हो जाता है तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी होगी, इसमें कोई दुखी वाली बात नहीं, क्योंकि जिन बच्चों की बैक लगी है उसको आज नहीं तो कल आपको कन्फर्म या उसको क्लियर करना पड़ेगा। एक बात और आपको बता दें, जब दोस्तों हमारा नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा, ठीक है, नई भर्ती का, तो नई भर्ती में दोस्तों एक बात आपको जरा ध्यान में रखने वाली बात ये होगी ना कि नई भर्ती में मौका सिर्फ उन्हीं छात्रों को दिया जाता है जिन बच्चों की कोई बैक ना बची हो। अगर आपकी बैक बची है तो गाइस फिर आप नई भर्ती के पात्र नहीं होंगे। तो गाइस यही दोस्तों आज रात दिन भर का पूरा मामला, बाकी आप लोगों का स्कूटनिक रिजल्ट कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया, लगातार चेक करते रहिए, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर डेट शीट देख सकते हैं। आज दोस्तों सिर्फ 2019 बैच के छात्रों की जीत नहीं हुई, बल्कि दोस्तों उन बच्चों की भी जीत हुई है ना, जो बच्चे दोस्तों इंतजार कर रहे थे कि 2018 बैच चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर हो या 17 बैच के छात्र फोर्थ का पेपर कराना चाह रहे थे, क्योंकि उनकी भी भैया बैक अच्छी खासी संख्या में लग गई है, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल फेल छात्रों के लिए दोस्तों एक राहत की खबर हो सकती है, जैसा कि अभी आपने वीडियो क्लिप में देखा होगा। बाकी प्रमोट के साधना देश का इंतजार करें, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, और दोस्तों आप लोग परीक्षा की तैयारी में जुट जाइए, बाकी जश्न मनाइए।